सबसे पहले थैंक यू भैया, पन्ना भैया, थैंक यू मंच देने के लिए। मैं एक कवियत्री का कविता है, पहले मैं उसको बोलना चाहूँगी। बिखर कर शोर की खुशबू चमन को चूम लेती है, बिखर कर शोर की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवा हसरत तिरंगे की, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। अनामिका जी ने कहा है, मैं उनकी बहुत अच्छी फैन हूँ। क्या चाहती है? मेरे अंदाज को, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी सब कुछ छोड़ कर आवाज दे देना। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी सब कुछ छोड़ कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए गीत और गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए गीत और गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साथ दे देना। मुझे लगता है सिर्फ अनामिका मैम की बोलने से ही आपके हाथों की तालियां मुझ तक पहुंचती है, उन्हीं की बोल देती हूँ, तालियां तो बजाइए। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज़ जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज़ जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज़ हमको आपकी ताली में आती है। ठीक है, लास्ट। मैंने पहले भी जब मैं आई थी तो मैंने ये लाइन बोली थी, चंदा की चकोरी से, चंदा की चकोरी से कोई बात ना होती, चंदा की चकोरी से कोई बात ना होती, अगर हमसे तुम्हारी ये मुलाकात ना होती।